हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। खुशी कहती है, इससे पहले कि आप सब कोई भी फैसला लें, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देव के पापा, जो पहले से ही खुशी को काफ़ी पसंद करते थे, वो तुरंत बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो बच्चे। खुशी कहती है, जैसा कि सबको पता है कि ये शादी नहीं हो रही, बस एक समझौता हो रहा है दोनों परिवारों की रेपुटेशन के लिए, बट मेरी कोई कंडीशन है। इसके बाद खुशी एक एक करके अपनी बात सबके सामने रखती है कि वो ये शादी तो कर रही है, पर उसकी पहचान दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो देव की वाइफ है। जैसे जैसे वो बोल रही थी, देव का दिल खुशी से झूम उठता है। वो मन में कहता है, वाह, मतलब मेरी शादी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ना ये बकबक मेरी बीवी बनने की कोशिश करेगी। इस आज़ाद दुनिया का आज़ाद पंछी हूँ मैं। वही मौज मस्ती, रात तक घूमना फिरना, मज़ा आ जाएगा। और ये बकबक तो बाकी लड़कियों की तरह बिहेव भी नहीं करती। इसके साथ तो मैं आराम से एक ही कमरे में रह सकता हूँ, मुझे मंजूर है, वो चहकते हुए कहता है। जैसे तुम चाहती हो सब वैसा ही होगा। उसकी बात सुनकर राहुल कहता है, ये पागल हो गया है क्या, जो शेरनी के गुफा में जा रहा है, ये इससे शादी करेगा। अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देव के पापा कहते हैं, हमें खुशी बेटी की सारी बातें मंजूर है, वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इन सब में हम उसका साथ देंगे। जहाँ इस शादी से अब देव और देव के पापा बहुत खुश थे, तो वहीं देव की माँ खुश नहीं थी। उसको ये था, जिसने शादी से पहले ही इतनी शर्तें रख दी, वो क्या खाक शादी निभाएगी। और फिर उन्हें दिव्या पसंद आई थी, खुशी नहीं। और देव की दादी को तो ये था कि बस शादी हो जाए, चाहे किसी से भी हो। गायत्री जी भी खुश थी। चलिए तो सब तय हो गया था। दृष्टि और अनिका कहती है, जाओ खुशी को तैयार करके लाओ। अभी के लिए वहाँ रुकना भारी हो गया था, उसे तो बस दिव्या पर गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। पर अभी को क्या पता कि दिव्या ने जिसको पसंद किया था वो कोई और नहीं, अभी खुद है। कुछ ही देर में अनिका और दृष्टि खुशी को लेकर आते हैं। सीढ़ियों से उतरती खुशी पर जब देव की नज़र पड़ती है, तो पलके झपकाना भूल जाता है वो अपनी रेड कलर का हैवी लहंगा, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, दुल्हन की तरह गहनों से सजी हुई वो आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। दिव्या भी चेंज करके बाहर आ गई थी। उसकी नज़रें अभी की नज़रों से मिलती है, तो अभी नाराज़गी से अपना चेहरा फेर लेता है। देव तो अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। गायत्री जी खुशी का हाथ पकड़कर देव के बराबर में खड़ा करती है, और फिर उन दोनों की नज़र उतारने लगती है। अभी वहाँ से बाहर चला जाता है। देव की दादी कहती है, अब जल्दी करो, मुहूर्त बीत रहा है, सब लोग बाहर जाने लगते हैं। खुशी भी आगे बढ़ती है। देव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। देव थोड़ा आगे बढ़कर खुशी के करीब जाता है, और सर पर ले रखी चुन्नी से उसका घूंघट करते हुए कहता है, बाहर काफ़ी लोग हैं, वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी पहचान बाहर नहीं आने दूंगा। ये देखकर अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में शादी की विधियाँ शुरू होती है, और देखते ही देखते खुशी देव की हो जाती है। बाकी रस्मों के बाद विदाई होती है। विदाई के वक्त खुशी सबसे मिलती है, और फिर अनुज उसे देव के साथ गाड़ी में बैठा देता है और बोलता है, ऑल द बेस्ट। खुशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। देव कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल कर गया है। खुशी घूंघट में से ही कहती है, मुझे नहीं, आपको बोल कर गया है। ये सुनते ही देव मन में कहता है, मुझे क्यों, कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई आफत तो मोल नहीं ले ली ना। ड्राइवर गाड़ी के शीशे ऊपर करता है और गाड़ी भगा देता है सड़कों पर। गाड़ी चलने के साथ ही खुशी अपना घूंघट ऊपर करती है, और देव की तरफ देखते हुए कहती है, पूरी दुनिया में तुम्हें मेरा ही घर मिला था बारात लाने के लिए, मेरी बहन मिली थी शादी करने के लिए। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं, एक तो शादी, वो भी तुम जैसे नमूने से। नहीं, उसकी बात सुनकर ड्राइवर को हंसी आ जाती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। देव उसकी तरफ घूर कर देखता है। ड्राइवर तुरंत अपने दांत अंदर कर लेता है। खुशी कहती है, क्या उसे क्या घूरे जा रहे हो, इधर देखो, मुझसे बात करो, वैसे तो बहुत मुंह चलता है तुम्हारा।
तो अब क्या हुआ तुम्हें? मुंह में दही जमा रखा है क्या? देव खींचते हुए कहता है, ओ शट अप, बंद करो अपनी बकबक। मैं भी मरा नहीं जा रहा तुमसे या तुम्हारी उस बेवकूफ बहन से शादी करने के लिए। इनफैक्ट मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, और तुम जैसी बकबक से तो बिल्कुल नहीं। ये सब रायता तुम्हारी बहन ने फैलाया है। सगाई वाले दिन ही सच बोल देती कि उसे गलतफहमी हो गई थी तो इतना सब होता ही नहीं ना। मुझे तो फंसा दिया ना तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ। खुशी एकदम से उस पर चढ़ते हुए कहती है, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ भी कहा तो बड़े आए। वो दोनों बहुत गुस्से से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ड्राइवर कभी खुशी को देख रहा था तो कभी देव को। वो दोनों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। दोनों को चुप कराने के लिए वो म्यूज़िक चालू कर देता है जिसमें दोनों ही शांत हो जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी देव के मैंशन के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है देव तो तुरंत गाड़ी में से बाहर निकल जाता है। खुशी ड्राइवर को धमकाते हुए कहती है, अगर किसी को बोला ना कि ये नमूना मेरा पति है तो तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ड्राइवर की तो हालत ख़राब हो रही थी। वो तुरंत बोलता है, मैं अच्छे से समझ गया मैडम। इसके बाद खुशी अपना घूंघट कर लेती है और गाड़ी में से बाहर आती है। इसके बाहर आते ही देव दूसरी तरफ से ड्राइवर से कहता है, अगर तुमने किसी के सामने अपना मुँह खोला तो। ड्राइवर कहता है, सर मैं अच्छे से समझ गया, मैं तो गूंगा ही बन जाऊँगा। तभी देव की दादी और माँ वहाँ पर आती है। हालांकि वो दोनों ही खुश नहीं थी इस शादी से, पर रस्में तो करनी ही थी ना। खैर, देव और खुशी घर की चौखट पर खड़े थे और देव की माँ दोनों की आरती उतार रही थी। उसके बाद खुशी का गृह प्रवेश होता है। एक तो भारी लहंगा, ऊपर से घूंघट, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे वो अंदर कदम रखने वाली होती है तभी उसके लहंगे में उसका पैर उलझ जाता है, जिसे देव देख लेता है। वो तुरंत अपना हाथ लहंगे में से झाँकते उसकी गोरी कमर पर कस देता है और उसे थाम लेता है। एकदम से उसे इस हरकत से खुशी अंदर तक सिहर उठती है। देव का ठंडा ठंडा हाथ जैसे ही खुशी की कमर पर लगता है तो उसकी कमर लचका जाती है, जो देव को भी पता चल गया था। दोनों का ही दिल जरूरत से ज़्यादा तेज धड़क रहा था। दोनों ही बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हैं। खुशी धीरे से देव का हाथ अपनी कमर से हटा देती है। ये देखकर देव मन में कहता है, ओह बन तो ऐसे रही है जैसे मैं इसे छूने के लिए मरा जा रहा हूँ। अभी मैं नहीं पकड़ता ना तो आंधे मुंह गिरती, तब मज़ा आता बक बक कहीं की। देव की दादी कहती है, आओ दोनों अंदर आओ। वो दोनों अंदर आते हैं। घर पर आए हुए मेहमान कहते हैं, अरे बहू अब तो अपना चेहरा दिखा दो, पूरी शादी तुमने घूंघट में ही किया है। ये सुनते ही देव की दादी और माँ एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। खुशी का दिल भी धक धक करने लगता है कि वो इतने सारे लोगों के बीच कैसे अपना चेहरा दिखाने से मना करेगी, पर जल्दी उसकी परेशानी देव के पापा ने हल कर दी थी। सबके बीच आते हुए वो कहते हैं, हाँ हाँ आप सबको हमारी बहू का चेहरा देखने की इतनी बेताबी है ये तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, पर वो क्या है ना कि अभी हम अपनी बहू का चेहरा आप सबको नहीं दिखा सकते क्योंकि पंडित जी ने ऐसा करने के लिए मना किया है। मेहमानों में से एक जना कहता है, तो कब दिखाएंगे आप अपनी बहू का चेहरा? देव के पापा कहते हैं, अरे शानदार पार्टी रखेंगे, आप सबको बुलाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना चेहरा दिखा देंगे। फिर वो बात ख़त्म करते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, बहू को उसके कमरे में छोड़कर आओ, थक गई होगी वो। देव मन में कहता है, अरे थका तो मैं हुआ हूँ, चार दिन से सोने नहीं दिया आप लोगों ने, कभी ये रसम तो कभी वो रसम, इसने क्या किया है? ये तो आराम फरमा रही थी और जॉब भी छोड़कर बैठी है, तो काम ही क्या है इसको। देव की माँ खुशी को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन के घर में वो सब भी यही चर्चा कर रहे थे कि सोचा क्या और हुआ क्या। गायत्री जी कहती है, इसे तो संजोग कहते हैं, ये सब तो बहाना था, होना तो वही है जो ऊपर वाले ने सोच रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अनिका कहती है, वो सब तो ठीक है पर पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रहेगी, एडजस्ट भी कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वो लोग उसके बचपन के सपने को समझेंगे या नहीं, सपोर्ट तो करेंगे ना। और खुशी, वो उन सबको समझेगी या नहीं, क्या वो एक बहू का फ़र्ज निभाएगी? अर्जुन उसको शांत करते हुए कहता है, तुम क्यों परेशान होती हो? अनिका, खुशी बहुत समझदार है, वह हर चीज़ हैंडल करना जानती है, उसे अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं, और फिर वो परिवार भी बहुत सुलझा हुआ है। अनुज माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, माँ बेकार ही टेंशन ले रही है,
खुशी है वो, उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता करनी है तो उन लोगों की कीजिए कि वो खुशी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। जहाँ एक तरफ सब खुश थे, वहीं दो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो दोनों थे दिव्या और अभी। दिव्या दुखी थी कि एक तो उसकी गलत फहमी की वजह से खुशी को शादी करनी पड़ी, और दूसरा अभी की वो नाराजगी से भरी नजरें जो उससे सहन नहीं हो रही थी। वो यही सोच सोच के परेशान थी कि उसने ऐसा क्या किया जो अभी उससे नाराज हो गया। उधर अभी तो बीच में ही शादी को छोड़कर वहां से चला गया। वो कहां जा रहा था, क्यों जा रहा था, उसे कोई होश नहीं था। वो बस सड़क पर गाड़ी चलाए जा रहा था, दिमाग में बस खुशी घूम रही थी। अभी तो वो ठीक से खुशी से दोस्ती भी नहीं कर पाया था, और उससे पहले ही ये सब हो गया। अभी मन में गुस्से से कहता है, ये सब उस दिव्या की वजह से हुआ है। ना ही वो शादी के लिए ना करती, और ना ही उसकी जगह खुशी को शादी करनी पड़ती। उसे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी की माँ खुशी को देव के कमरे में ले जाती है। इस बीच वो खुशी से बिल्कुल बात नहीं करती और उसको कमरे में छोड़कर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद खुशी अपना घूंघट ऊपर करती है और नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखती है। फूलों की लड़ियों से सजाया हुआ पूरा कमरा और बिस्तर, पूरे कमरे को देखने के बाद खुशी खींचते हुए कहती है, क्या बकवास है ये। इसके बाद वो आईने के सामने जाकर अपने गहने उतारने लगती है। नीचे हॉल में एक के बाद एक मेहमान चले गए थे। देव भी अब अपने कमरे में जा रहा था। दिव्या के साथ वो जितना नर्वस फील कर रहा था, खुशी के साथ वो उतना ही कंफर्टेबल था, पर इस बात की अभी उसे समझ नहीं थी। देव के पापा भी कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठे थे। इस शादी से वो कितने खुश थे वो तो उनका चेहरा ही बता रहा था। देव की माँ भी कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। देव के पापा उसका चेहरा देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो इस शादी से। देव की माँ खींचते हुए कहती है, ये भी कोई शादी है, मेरे मन की तो एक भी नहीं हुई ना। मुझे दिव्या पसंद है, ना कि ये लड़की जिसने शादी से पहले ही शर्तों का पिटारा खोल दिया। वो क्या खाक शादी का मतलब समझेगी, जब वो खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि ये शादी नहीं समझौता हो रहा है, तो उससे तो कोई उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। देव के पापा बहुत शांति से उसकी सारी बात सुनते हैं, फिर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं, तुम खामखा परेशान हो रही हो, मैं जानता हूँ उस बच्ची को, बहुत समझदार है वो, और सच कहूँ तो देव के लिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा समय लगेगा, देखना एक दिन तुम खुशी की तारीफ करते नहीं थकोगी। देव की माँ कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा दिन कभी आएगा। देव के पापा कहते हैं, कोई नहीं, ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, पर एक बात है, अर्जुन जी को तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया था कि वो अपनी बात से नहीं पलटे, और उन्होंने अपनी बात साबित भी की। तो हमने उनसे जो वादा किया है कि खुशी की पहचान किसी के सामने नहीं आएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें। देव की माँ दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहती है, बस यही काम रह गया है अब मुझे। देव के पापा कहते हैं, तुम भी ना बस। देव अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, नज़र जाती है खुशी पर, जिसने अपने गहने उतार दिए थे और कपड़े भी बदल लिए थे। ब्लैक कलर का नाइट सूट, हाथों में गहरी रची मेहंदी और लाल चूड़ा, बाल खुले हुए जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, मांग में चमकता सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। देव अपनी नज़रें फेरते हुए अंदर आता है और कमरे की सजावट देखकर कहता है, क्या बकवास है ये। वो बिस्तर पर पड़े फूलों को हटाते हुए कहता है। खुशी कहती है, ये सारा रूम साफ करो जल्दी, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। देव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं करूँ साफ। खुशी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, तो क्या मैं करूँ। देव अपनी तरफ से बिस्तर साफ करते हुए कहता है, देखो मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है, चार दिन से ये शादी की नौटंकी करते करते थक गया हूँ मैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में जानेंगे इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या देव और खुशी एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, या फिर इनकी शादी टूट जाएगी, और क्या अभी को कभी पता चल पाएगा कि दिव्या उससे ही प्यार करती है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।